नरसिंहपुर में अवैध उत्खनन का कार्य इन दिनों जोरों पर है। खनन माफिया बिना किसी डर के मां नर्मदा के सीने को छलनी कर रहे हैं, जिनमें रामघाट, बरमान घाट जैसे कई घाटों पर अवैध खनन जोरों से जारी हैं, जिसके चलते आज सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और उस जगह की वीडियो को भी दिखाया जहां अभी अवैध खनन का कार्य हो रहा है। खनिज विभाग को कई बार सूचना देने पर भी नहीं की जाती थी कोई कार्रवाई। इससे साफ साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की देखरेख में अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा है। कल इसी संबंध में नरसिंहपुर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई करने की बात कही और यह कार्य लगभग एक माह से नर्मदा घाट के ऊपर चल रहा है। इसके प्रशासनिक रवैये से ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन संदेह के घेरे में है। कहाँ चल रहा है अवैध उत्खनन, कौन कर रहा है अवैध उत्खनन, कितनी शिकायत कब और कहाँ की है और क्या निकला शिकायतों का रिजल्ट, आइए सुनते हैं जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ अभय से। क्या मामला है आज जो ज्ञापन दिया है क्लाइंट साहब को? मामला बहुत बड़ा है नरसिंहपुर जिले के लिए। मामला ये है कि नरसिंहपुर की माँ नर्मदा जीवन रेखा जिसे कहते हैं खत्म होने की कगार पर है। यहाँ पर खुलेआम कई जगहों पर कई घाटों में अवैध उत्खनन किया जा रहा है और बेखौफ किया जा रहा है। जब अधिकारियों से बात करते हैं, पुलिस विभाग से बात करते हैं तो कहते हैं खनिज विभाग को फ़ोन लगाइए, खनिज विभाग को फ़ोन लगाते हैं तो कहते हैं पुलिस विभाग को फ़ोन लगाइए, उनको साथ लेके जाएंगे, और सब अधिकारी एक दूसरे पे ही टाल रहे हैं। इस संबंध में आज हमने लिखित शिकायत दी कलेक्टर साहब को और बताया कि यहाँ विभिन्न घाटों पर नर्मदा जी का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। कहीं आप कहीं ऐसी जगह पर गए जहाँ पर आपको उत्खनन मिला हो? हाँ बिल्कुल, हम कल ही चावरपट्टा ब्लॉक के रामघाट, बरिया घाट के आसपास भी गए थे वहाँ, और वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में अवैध उत्खनन के निशान पाए गए हैं, जिसकी वीडियो भी हमने बनाई है, वो सभी हमने कलेक्टर साहब को बताया। स्टॉक वगैरह भी है क्या वहाँ पर? हाँ बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक भी रखा गया है वहाँ। तो महोदय, कलेक्टर महोदय ने क्या आश्वासन दिया आपको? हाँ आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करवाएंगे इस पर जल्द से जल्द, और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम भविष्य में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे इसके लिए। क्या नाम है? अभय वानगात्री, नागयोग गुप्त कॉलेज। जाँच चल रही है, जो भी जाँच करता अधिकारी हम बोलेंगे कि जल्दी से रिपोर्ट सबमिट करें, मौके पर जाएं और जांच करें और दोष के आधार पर रिपोर्ट सबमिट करें। सर देखा जा रहा है शहर में वहाँ बहुत ज़्यादा उत्खनन हो रहा है, हर जगह उत्खनन चालू हो गई है। सर इतना बेफिक्र होकर वो रेत उत्खनन करते हैं कि वो दिन और रात देखते ही नहीं सर, जब पहले तो रात में उत्खनन करते थे, अब तो उनका इतना हौसला बुलंद हो चुका है कि वो दिन दहाड़े ही रेत निकालते हैं, स्टॉक करके रखते हैं और जिस जिसको चाहिए है तो मन माफिक रेट पर वो रेत देते थे। तो आप कह रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे और दोस्तों को संतरा देंगे। जी थैंक यू।